जय हिंद और खुंगा एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, IRO दिल्ली कैंट की जो भर्ती 27 अप्रैल से 12 मई 2020 के लिए होनी थी, उस भर्ती की डेट चेंज कर दी गई है। और डेट भी आपको पता है, ये कोरोना वायरस, जिसको COVID-19 भी कहते हैं, उस महामारी की वजह से ये डेट चेंज की गई है। अब भर्ती आपकी 26 अक्टूबर से स्टार्ट होगी, जो कि 10 नवंबर तक चलेगी। भर्ती का स्थान अभी डिक्लेयर नहीं किया है, जैसा कि पहले भी ऐसे ही हुआ था। पिछली भर्ती में भी उन्होंने जो स्थान था वो बताया नहीं था। वो भर्ती के 20 दिन पहले जो आपका एडमिट कार्ड आएगा, उस पे लिखा होगा कि आपका भर्ती कहाँ पे किया जाएगा। दूसरा, बच्चों को डाउट ये है कि वो टाइम पे अप्लाई नहीं कर पाए थे, पिछले जब फॉर्म निकले थे अभी अप्रैल की भर्ती के लिए, तो इस नोटिफिकेशन के हिसाब से इसमें लिखा हुआ है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन इज मैंडेटरी एंड एप्लीकेंट्स हु हैव अप्लाइड सो फार फ्रॉम 27 फरवरी टू 11 अप्रैल विल बी रिमेन वैलिड फॉर दिस फ्रेश ड्यूरेशन ऑफ द रैली। तो इसका मतलब ये है कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आपको करना ही होगा, और जिन बच्चों ने कर दिया है उनका रजिस्ट्रेशन वैलिड रहेगा, यानी वो उनको दोबारा रजिस्ट्रेशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इससे ये अंदाज़ा हम लगा सकते हैं कि रजिस्ट्रेशन दोबारा से किया जाएगा। उम्मीद कर सकते हैं हम कि दोबारा से रजिस्ट्रेशन ओपन होंगे, क्योंकि सबको पता है उस टाइम लॉकडाउन की वजह से और इंटरनेट की सेवाएं उतनी अच्छे से काम नहीं कर पा रही थी। काफ़ी जगह जो साइबर कैफेज हैं वो भी बंद थे, तो बहुत से बच्चे अप्लाई नहीं कर पा रहे थे। मेरे पास भी काफ़ी बच्चों का फ़ोन आता है रोज़ कि सर हम अप्लाई नहीं कर पाए, दोबारा रजिस्ट्रेशन होगा क्या। तो पूरी उम्मीद है कि दोबारा रजिस्ट्रेशन होगा, तो आप अपनी तैयारी पूरी जारी रखें। फिजिकल की तैयारी आपको अभी फ़िलहाल लॉकडाउन को फॉलो करें, घर पे आप अपनी एक्सरसाइज करें, या जो आपका सीमित क्षेत्र है वहीं पे आप रहें, मतलब बाहर ज़्यादा ना निकलें, ताकि इस बीमारी से हम लड़ सकें। दूसरा, मैं ये बताना चाहता हूँ कि एज में कोई बदलाव नहीं किया गया है, यानी जो एज का ब्रैकेट उस टाइम दिया था GD के लिए 17.5 से 21, इसमें जन्म तिथि 1 अक्टूबर 1999 से 1 अप्रैल 2003, यानी सेम एज। तो कोई बच्चे को डरने की ज़रूरत नहीं है कि मैं कहीं ओवर एज तो नहीं हो गया। अगर आप 27 अप्रैल वाली भर्ती के लिए एलिजिबल थे, तो इस भर्ती के लिए भी एलिजिबल रहेंगे। सेम बाकी ट्रेड में है, सोल्जर टेक्निकल में भी सेम यही है मापदंड, और क्लर्क के लिए भी, एज में बता रहा हूँ मैं। ये क्लर्क का मैं दिखा देता हूँ आपको, सेम ये है, 1 अक्टूबर 1997 से लेके 1 अप्रैल 2003। तो दोस्तों, आपको इस बात से निश्चिंत रहें, भर्ती आपका अक्टूबर में ज़रूर हो सकता है। अगर ये हमारी कंट्रोल रही और हो भी की कंट्रोल, तो अपनी तैयारी पूरी ज़ोरों से रखें। जैसे ही लॉकडाउन को लेगा, अपना पूरी प्रिकॉशंस के साथ आप अपनी तैयारी करें, और इस भर्ती को अपना एक टारगेट बना के पूरा करें। तो मेरी उम्मीद है कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। मैं दोबारा बता देता हूँ, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जहाँ तक मुझे लगता है होने चाहिए, क्योंकि इंटरनेट सेवाओं में उस टाइम काफ़ी परेशानी हुई थी, बहुत से बच्चे अप्लाई नहीं कर पाए। तो सरकार उनके लिए दोबारा से रजिस्ट्रेशन की सुविधा ज़रूर उपलब्ध कराएगी, ये मेरा मानना है। मतलब ये कोई पक्का नहीं है, लेकिन होना चाहिए ऐसा कि दोबारा रजिस्ट्रेशन होंगे। तो आप अपनी तैयारी जारी रखें। थैंक यू। जय हिंद।